यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट पार्ट टू। तो पिछले पार्ट में हमने ड्राइंग तक कंप्लीट किया था, तो अभी शुरू करते हैं हम सेकेंड पार्ट, मतलब कलरिंग। ये कलरिंग में काफ़ी लोगों का डर रहता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पोर्ट्रेट पेंटिंग करना चाहते थे। तो आइए, मैंने इसका बात किया हूँ कंप्लीट, और डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे किया हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा इसका कंप्लीट मोड। अच्छा, इसमें पहले मैं बैकग्राउंड से शुरू किया था। बैकग्राउंड में कलर लिया था मैंने, ये देखिए मेरा कलर है। बैकग्राउंड में मैं ये वाला कलर इस्तेमाल किया, पेवियो कंपनी का है ये, क्या नाम है, तो ये बैकग्राउंड में यूज़ करने के बाद दो किस्म से होता है। एक तो डायरेक्टली फिनिशिंग करते करते आना है, और एक फर्स्ट कोट कलर करने के बाद सेकंड कोट में फिनिशिंग करते करते आना है। दो स्टाइल है मेरा, तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला स्टाइल, मतलब पहले मैं कलर को कर दिया हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, मतलब थोड़ा सा सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद फिर मैं फिनिशिंग करते करते आया हूँ। मैं आँखों से बेसिकली करता हूँ, आँख से शुरू करता हूँ। ये देखिए, इसका जो स्किन कलर है, मैंने दो कलर का मिक्सिंग किया यहाँ पर, एक है नेपलेस येलो और थोड़ा सा कैडमियम ऑरेंज मिला के, और थोड़ा सा वाइट, ये मिला के मैंने इसका स्किन पे पूरा में कर दिया था। करने का बाद फिर मैं कैडमियम ऑरेंज और बांड से आना का मदद से मैं सबसे पहले आँखों और आईब्रोज़ में कंप्लीट किया। उसका बाद में इंडिगो करके जो कलर है, उस कलर का इसमें मैं डार्क किया हूँ। इंडिगो है और बांट उम्बर करके एक है, बांट उम्बर, उससे किया। फिर लास्ट में इंडिगो का टच दिया। मैं इसमें ब्लैक का इस्तेमाल किया नहीं, ब्लैक थोड़ा सा ये एकदम लास्ट डार्क होता है, इसलिए उसको मैं रहने दिया हूँ। तो जैसे एक बार में ब्लैक नहीं करना है, जैसे अचानक बारिश नहीं होता, पहले एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैंने इसका आँख, आईब्रोज, इसका जो शेडो वाला पार्ट है वो कैडमियम ऑरेंज और बांड सैना मिला के मैं उसको, इसका आँख, आईब्रोज का जो डार्क पार्ट है, ये जो डार्क पार्ट है इसको मैंने किया ये। फिर लास्ट में देखिए, इसका जो है पहले बांड साइनर लगा के ये सब करने का बाद फिर मैं धीरे धीरे बांड टूम्बर से थोड़ा कंप्लीट की तरफ आया हूँ। एक बार में अचानक नहीं कर दिया हूँ। फिर लास्ट में मैं वाइट से हाईलाइट किया हूँ। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ना, उसका ये हाईलाइट आप लोग पता चल जाएगा जब थोड़ा ये, मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये करते करते, ये टेक्निक अप्लाई करते करने का बाद आपको एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाएगा। कई आर्टिस्टों का फोटो देखेंगे, उनका शैली कैसा है क्या है, तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कौन सा एंगल में देना है कितना। ये सेकेंड पार्ट, मतलब ये गहराई टेक्निकल पार्ट है, वो टेक्निकल पार्ट बात का जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटा जानकारी दे रहे हैं। तो जो हमारा फोटो था उसका, उसे मैच करते हुए मैं आस्ते आस्ते एडवांस किया था। देखिए, ये फर्स्ट कलर अप्लाई करने के बाद जब ड्राई हो जाता है तो ब्रश का साथ में डायरेक्ट कलर थोड़ा थोड़ा करके हमने ऊपर से
जैसे पेंसिल सेटिंग होता है वैसे करके हमने किया है। इसमें लिनसिड ऑयल का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूँ, मैं लिक्विन नाम करके आता है विंसर न्यूटन का, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये विंसर न्यूटन का ये जो लिक्विन है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कलर का सब थोड़ा सा मिला मिला के करते हैं, इसका एक फ़ायदा है, एक फ़ायदा है जैसे आप जब उसको ब्लेंड करने में बहुत अच्छा, मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है इसमें, पता नहीं चलता, स्मूथ लगता है, चटक कलर नहीं होता है इसमें, तो ये भी एक किस्म का अच्छा चीज़ है। लेकिन आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होते जाएगा होते जाएगा, छोड़ना मत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।